नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब आप खोलते हैं तो आपके सामने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के चित्र होते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं एक हिंसा के बारे में। एक राज्य के कई छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं देश का एक राज्य आग की लपेटों में जल रहा है। हिंसा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसी के बीच विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो देश के नेताओं को चुनावी रैलियाँ करने से फुर्सत नहीं है। हिंसा के बारे में सोचने का कम समय मिल पा रहा है। मेरा नाम है भरत और हम आपको बताने वाले हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। समय था 3 मई का, जब मणिपुर में ऑल टेरिबल स्टूडेंट यूनियन की रैली का आयोजन हो रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे। इसी रैली में मैथिली समुदाय और नागाकुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई है। इसी हिंसा ने अब बहुत भयानक रूप ले लिया है। मणिपुर की स्थिति अब जम्मू कश्मीर की स्थिति और पंजाब की स्थिति से भी बहुत बदतर हो गई है। हिंसा को देखते हुए इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। अब इसकी अवधि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हिंसा अभी रोकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा में कई गाड़ी और कई बंगले जलकर राख हो चुके हैं। हिंसा में कुकी समुदाय के लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल एवं कॉलेजों को 8 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। प्रदेश के लगभग 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। जगह जगह पर इंडियन आर्मी के जवान देखने को मिल रहे हैं। हिंसा में अभी तक लगभग 131 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहुल गांधी ने हिंसा का जिम्मेवार बीजेपी और मोदी जी को ठहराया है। राहुल गांधी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह से रिजाइन देने की मांग कही है, लेकिन एन बीरेन सिंह के समर्थक उन्हें रिजाइन देने से मना कर रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि आप रिजाइन मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में राज्य मंत्री और विधायक शांति के लिए दौरा कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को विस्थापित करने के लिए 1,001 करोड़ रुपए की राहत की मंजूरी दी है। अगले अपडेट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।